गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ काफ़ी सर्दी है आज और सुबह का मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है। सूर्य देव का कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ छिप कर बैठे हैं वो। और आज संडे है, चलिए आज बच्चे कुछ कह रहे हैं मम्मी स्पेशल बनाने का, लेकिन सर्दी का ऐसा मौसम है कि बनाने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत सर्दी है। तो आ गए हैं हम अपने किचन में। देखिए, मैंने ये सब सामग्री इकट्ठा करके रख ली है, तो अब मैं इसको पीस लेती हूँ और पीसने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज क्या बनाया। देखिए, मैंने पेस्ट सारा तैयार कर लिया था और उसके बाद मैं लाई हूँ चावल। और चावल को मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ। वैसे तो मैं चावल को साफ करके डिब्बे में रख लेती हूँ इकट्ठा ही, और डालने से पहले मैं एक बार फिर इसको देख लेती हूँ कि कहीं इसमें कोई कचड़ा फिर से ना आ गया हो। तो अभी हमने चावल को भी देख लिया है, हमारा चावल बिल्कुल साफ है। तो दोस्तों देखिए, संडे का दिन है तो आज सारा काम देर से ही होगा, बच्चे भी देर से उठते हैं तो नाश्ता भी देर से ही होता है। अभी सुबह 9 बज गए हैं और 9 बजे देखिए मैं किचन में सिर्फ नाश्ता बना रही हूँ। अभी पूरा काम मेरा पड़ा हुआ है करने के लिए, और पूरी सुबह से शाम कैसे निकल जाएगी ऐसे काम करते करते पता ही नहीं चलता है। तो अभी देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें डाल देते हैं तड़का। और मैं बनाने जा रही हूँ मटर के चावल, हरे मटर के चावल, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ताजी ताजी मटर मिलती है। हम हाउसवाइफ के लिए संडे की कोई छुट्टी नहीं होती है, फिर भी हस्बैंड लोग कहते हैं कि आप लोग पूरा दिन घर में करते ही क्या हो। तो अभी देखिए, हमारा ये चावल जब तक पक रहा है तो हम चलते हैं अंदर, देखते हैं हमारे बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं। तो अभी बच्चों की सुबह हुई है कि नहीं देखिए, ये अपने पापा के साथ बच्चे मस्ती कर रहे हैं। अभी अभी ये ड्यूटी से आए हैं तो बस सभी को नाश्ता ही चाहिए है, और यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं दूसरे कमरे में, देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारे हैं बड़े भांजे जो अभी नहा कर आए हैं सर्दी में, इतने अच्छी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में इन्होंने हिम्मत जुटा ही ली नहाने की। तो देखिए, नहाने के बाद इनकी हालत कैसी हो चुकी है। हाँ हाँ, इन्हें जुकाम भी हो गया है। तो अभी मेरा नाश्ता तैयार हो गया है तो मैं सभी को अंदर कमरे में नाश्ता देने जा रही हूँ। तो अभी देखिए, शाम के 4 बज गए हैं और बच्चे अपने पापा के संग बैडमिंटन खेल रहे हैं। और बस अभी मैं बैठी ही थी तो अब मैंने सोचा कि अब चलते हैं चाय पीने, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है और चाय पीने का मन भी हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने किचन की तरफ और बनाना शुरू करते हैं अपने लिए बढ़िया गरम गरम एक कप चाय। और देखिए फ्रेंड्स, मैं ये एक्लिपियस का ये वाला चाय यूज़ करती हूँ। इसकी चाय का फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी है, बढ़िया है पीने में। तो फ्रेंड्स, हमने शाम को बनाए थे गोभी के पराठे और ये शाम को भी ड्यूटी चले गए हैं तो बच्चे यहाँ पर खा रहे हैं। और वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।